हेलो वेलकम गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं गेमिंग पीसी बिल्ड वाली वीडियो। आज की पीसी का बजट जो है यार 20,000 रुपये होने वाला है, और जो पीसी बिल्ड करेंगे वो है एक गेमिंग पीसी, और साथ में उस पीसी के लास्ट में आपको बेंचमार्क भी दिखाएंगे, मतलब कि उसमें गेम खेल कर दिखाएंगे। और अभी तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आएगी, इसमें यार जो कंपोनेंट है इन्हीं कंपोनेंट से तुम्हारा पीसी बनने वाला है, अच्छे से इनको देख लो। चलो एक एक करके अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस पीसी में हमने यूज़ करा है एएमडी की तरफ से आने वाला एथलॉन 3000G प्रोसेसर, जिसमें कि यार 2 कोर और 4 थ्रेड हैं। साथ में यार DDR4 मेमोरी टाइप सपोर्ट करता है, और बिल्कुल ही नया प्रोसेसर है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसके अंदर Vega 3 इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, और 3 ईयर की ब्रांड वारंटी है। तो ये होगा हमारा प्रोसेसर के बारे में। तो यार आप बात करते हैं मॉनिटर की। तो इस पीसी में हमने यूज़ करा है एसर की तरफ से आने वाला EK220Q मॉनिटर, जो कि यार काफ़ी सही है, और काफ़ी सही प्राइस रेंज में ये कंपनी हमको ऑफर कर रही है ये मॉनिटर, वो भी यार 2 वेरिएंट में। और यहाँ पर 1080p सपोर्ट मिल जाता है, और साथ में फुल HD मॉनिटर है, ब्लू लाइट फिल्टर भी हैं, और 5 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स रेट है, 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। और यहाँ पर काफ़ी सारे एक्साइटिंग फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं यार इस प्राइस रेंज में। आई केयर फीचर है, ब्लू लाइट शील्ड है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं आपको। तो यार मॉनिटर तो यार अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही है, और 2 वेरिएंट हैं, एक 21 इंच का, एक 23 इंच का, वो आपके ऊपर है, आप जोन से लेना चाहें वो ले सकते हो। और लास्ट पीछे आपको एक VGMI और एक HDMI पोर्ट मिलेगा, ये आपको Amazon पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस बढ़ते हैं अपनी पीसी की नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि होने वाली है हमारी पावर सप्लाई। इस पीसी में हमने यूज़ करी है ND Sport की तरफ से आने वाली 450 वाट की पावर सप्लाई, जो कि यार काफ़ी सही है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यार आपको ये 1800 से 1900 रुपये की मिल जाएगी ऑफलाइन और दोनों ऑनलाइन मार्केट में, ठीक है। और इस पावर सप्लाई की 2 ईयर की ब्रांड वारंटी है। और चलो अब चलते हैं इसके साथ अपनी पीसी के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि होने वाली है हमारी रैम। तो इस पीसी में मैंने यूज़ करी है XPG की तरफ से आने वाली ये गेमिंग रैम D30 वाली, और ये DDR4 रैम है। इसको मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो अपने पीसी में ऐसी 2 स्टिक लगा सकते हो, क्योंकि यार अभी इसका प्राइस 50% से भी कम ऑफर चल रहा है इस पर, मतलब 50% का। तो अभी 2200 रुपये की 1 स्टिक आपको मिल जाएगी, 2 चार लगाना चाहो लगा सकते हो। तो ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे 2 रैम लगा सकते हो अपने पीसी में, और आपका बजट तब भी 20,000 के अंदर ही रहेगा। तो यार चलो इसी के साथ हमारी ये रैम तो हो गई कंप्लीट, और अब चलते हैं अपने पीसी के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि यार होने वाली है, आप खुद गेस करो क्या होने वाला है। ये होने वाला है हमारा कैबिनेट। इसमें हमने चिप्ट्रॉनिक्स का कैबिनेट यूज़ करा है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसमें यार 2100 रुपये का इसका प्राइस है, और जो इसमें RGB लाइट वगैरह भी दी गई है, आप जाओ तो इसमें और भी लाइट वगैरह लगा सकते हो। और इसमें वो पोर्ट भी दिए गए हैं, USB पोर्ट भी दिए गए हैं इसमें ऊपर, तो इसमें भी आपको मज़ा ही आ जाएगा काफ़ी सही प्राइस में। और कीबोर्ड माउस की बात करें तो इसमें हमने यूज़ करा है जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड माउस, जो कि यार आपको 699 रुपये में मिल जाएगा। और इसकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जितने भी चीज़ें हैं सबकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस कीबोर्ड माउस को भी तुम खरीद सकते हो, काफ़ी सही है यार। जो एक 1500 का वेरिएंट आता है जेब्रॉनिक्स का इसी टाइप में, उससे तो यार काफ़ी सही है ये वाला। तो यार बस थोड़ा बहुत लाइटिंग में फ़र्क है, बाकी सही है, बस सेम ही है दोनों चीज़ें। आप चाहो तो वो ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि बजट थोड़ा टाइट है। तो देख लो यार, आपको जहाँ भी जो भी कीबोर्ड माउस अच्छा लगे अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ, ये वाला आप यूज़ कर लो, अगर कोई दिक्कत लगे तो रिप्लेसमेंट में आप रिप्लेस कर लेना। तो अब बढ़ते हैं यार अपने पीसी के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, और वो है हमारा मदरबोर्ड। तो इस पीसी में हमने यूज़ करा है गैलेक्सी तरफ से A320M मदरबोर्ड, जो कि यार प्रोसेसर और मदरबोर्ड का कॉम्बो दोनों आपको पड़ेगा यार 8000 तकरीबन रुपए का। और SSD हमने 240GB की इसमें यूज़ करी है, और हमने स्पीकर इसमें यूज़ करे हैं, जो कि आपको 300 रुपये में मिल जाएंगे, और 240GB की SSD वो आपको यार 1800 रुपये की मिल जाएगी। तो यार सारी की सारी चीज़ों की मैंने बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। बात करते हैं पीसी प्राइस आपका है 17,200 रुपये, अगर आप 8GB रैम लगाते हो और 16GB रैम लगाते हो तो 19,500 रुपये ये प्राइस है मॉनिटर को बिना इंक्लूड करे। अगर टोटल प्राइस की बात करें वो है विद मॉनिटर 25K। पीसी बिल्ड तो आपका 20,000 के अंदर हो गया, लेकिन मॉनिटर में यार थोड़े रुपये खर्चा हो रहे हैं, लेकिन यार कर लेना इतना तो बनता है।
और यार 16 GB में आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी मैं उसका एक बार आपको डेमो देता हूँ। तो मेरे पास अभी एक प्रूफ के साथ गेम प्ले है। तो यार अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना गेम प्ले, ये है हमारा PC। इसके अंदर एथलॉन 3000 जी प्रोसेसर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें 8 GB रैम है, कान खोल के सुनो, 8 GB रैम है। तो आप अगर 16 GB रैम लगाओगे तो आपको परफॉर्मेंस छप्पर फार परफॉर्मेंस मिलेगी, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मान लो कम से कम कुछ नहीं, अगर जो आपको 8 GB में अगर 40 FPS मिल रही है तो यार 16 GB में आपको 50 FPS मिलेगी, 7 से 8 FPS 10 FPS का तकरीबन अंतर आ जाएगा। तो देखो अभी मैं आपको GT5 चला कर दिखाने वाला हूँ आपकी आंखों के सामने। और देखो स्क्रीन रिकॉर्डर से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 FPS तो उसकी लॉस हो गई हैं, 5 FPS तो और डाउन हो गई हैं। तो अब अभी जितनी FPS आने वाली है तो उसमें आप लोग तकरीबन जो है 10 FPS प्लस कर देना, उतनी FPS आपको मिलेगी अगर आप लोग जो है 16 GB रैम लगाओगे। तो सबसे पहले हम गेम को स्टार्ट करते हैं, यार कोई दिक्कत आ गई, एक सेकेंड रिफ्रेश करके स्टार्ट करते हैं। यार ये GT5 इतना हैवी गेम है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, वायरस ऑफ कर लेता हूँ यार एक बार, ये वायरस वगैरह भी अपने ऑफ करके रखना, नहीं तो दिक्कत आएगी, फिर कमेंट सेक्शन में बोलते फिरोगे यार चालू नहीं हो रहा भाई, अब क्या दिक्कत आ रही है यार, देखना पड़ेगा यार एक सेकंड। इधर तो सब सही है, चलो चालू करते हैं यार, ये अपना वायरस वगैरह ऑफ कर लेना वरना दिक्कत आ सकती है, किसी किसी को दिक्कत नहीं भी आती है लेकिन मुझे तो आ जाती है यार दिक्कत। और आप लोग सोच रहे होगे यार ये स्क्रीन के बीच में क्या है लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड विद आई टॉप स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यार ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर की जो वाटरमार्क है वो आ रहा है, तुम लोग इसकी कोई टेंशन मत लेना। और ठीक है मैंने सब तुमको दिखा दिया है, प्रोसेसर भी दिखा दिया है और साथ में रैम वगैरह भी दिखा दिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार क्यों 2000 रुपट्टी के चक्कर में अपना लॉस कराओगे, 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करो, मतलब कि 25,000 पूरे पे करो और पूरा सिस्टम जैसा मैंने बताया है वैसा करो। अगर जो जैसा कि अगर तुम एक काम करते हो, अगर तुम 8 GB रैम यूज़ करते हो ना अपने PC में, तो तुम्हें तुम्हारा PC मॉनिटर के साथ जो है पड़ेगा 23,000 रुपये का। अगर तुम 16 GB रैम यूज़ करते हो तो तुम्हारा PC तुमको पड़ेगा 25,000 रुपये का मॉनिटर के साथ। तो यार मेरी बात मानो और यार 16 GB रैम यूज़ करो, और भी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, और भी हैवी गेम खेल पाओगे, मतलब GTA 5 में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली वैसे तुम लोग को खास। तो यार यही कुछ वीडियो है, और अभी गेम प्ले जब तक स्टार्ट हो रहा है ऊपर देख लो साइड में FPS भी चल रही है, मैं बताना ही भूल गया तुम लोगों को, देख लो कितनी FPS चल रही है, 63 62। यार जब चल रही है जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करे हुआ हूँ, अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर अपना बंद कर दूँ तो बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के FPS और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी तकरीबन जो है 70 80 के पास आएगी। तो यही कुछ हमारा FPS का लफड़ा है। ग्राफिक भी सेटिंग दिखा देता हूँ तुमको एक बार, ग्राफिक देख लो 720p पे चल रहा है, और जो है और दिखा देता हूँ, टेक्स्चर देखो नॉर्मल है, नॉर्मल हाई सेटिंग पे चला रहे हैं भाई, नॉर्मल सेटिंग पे चला रहे हैं देख लो। तो ग्राफिक सेटिंग भी मैंने तुम लोगों को दिखा दी है। और हाँ बात करें यार ग्राफिक कार्ड की, तो यार एक बात और सुन लो, जो ग्राफिक कार्ड है तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है, इसीलिए तो मैंने बोला है कि जो प्रोसेसर है उसका नाम है एथलॉन 3000G, उसके अंदर है Vega 3 इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है तुम्हें ग्राफिक कार्ड अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा काम चला देगा। अगर हाँ फ्यूचर में अगर तुम लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, मदरबोर्ड में भी स्लॉट है ग्राफिक कार्ड का, और प्रोसेसर भी यार ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर देगा तुम्हारा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने तुम्हारे काम चलाने के लिए ऐसा PC बिल्ड कर दिया है टाइट बजट में। बस यही कुछ है, अब तुम लोग एक काम करना, बस मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। और हाँ अगर कोई भी बंदा है यार जो GTA 5 डाउनलोड करना चाहता है तो वो यार मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसको GTA 5 के सारे लिंक करूँ दूंगा, वो भी यार पेड है यार, 200-250 रुपये के लिंक हैं वो, क्योंकि यार मैंने एक बार फ्री वीडियो बनाई थी तो यार मेरे पे स्ट्राइक पड़ गई थी कि GTA 5 कैसे फ्री में डाउनलोड करें, जो ओनर है उसका यार उसने बड़ी मेहनत से अपलोड कर रखे है अपने पास से वीडियो, जो पार्ट्स में करके उसने GTA 5 को अपलोड कर रखा है मीडिया फायर पे, तो वहाँ से यार उससे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो यार उसको पैसे देता हूँ तब वो यार मेरे को देता है। तो ऐसे तुम लोगों को GTA 5 ऐसे फ्री में कहीं पे नहीं मिलने वाला,
हाँ एक दो बंदे हैं, अच्छे बंदे भी हैं जो दे रहे हैं फ्री में, लेकिन उसमें यार दिमाग मारी बहुत है, नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो यार मेरी मानो, अगर GTA 5 डाउनलोड करना है तो इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से मुझे तुम मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं तुम्हें सब बता दूँगा, ठीक है? तो गेम प्ले इन्जॉय करो। Dang. Shit. Oh, shit. Shit, that hurt. Anyone see this? Hey, Michael, it's me, man. You doing anything? What the fuck? Only his power of speech probably went when his tongue came out of his throat hole. Shithead! That's what's going on, Bad bitch! Ah, you think she just...